मॉर्निंग वन एंड ऑल, दिस इज अयाज अहमद। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट आयोडीन वैल्यू। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसीटाइल वैल्यू। यस, एसीटाइल वैल्यू। तो सबसे पहले हम आते हैं एसीटाइल ग्रुप किसे कहते हैं। यस, तो एसीटिक, ये क्या है आपका एसीटिक एसिड, और ये क्या है आपका एसीटिल क्लोराइड। अब इसमें एसीटिक एसिड में ये हो गया OH, यस, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इतने ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एसीटाइल ग्रुप। यस, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O। और इधर भी एसीटाइल क्लोराइड में भी ये क्लोरीन को आप निकाल लो, बाकी के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एसीटाइल और एसीटिक ग्रुप। यस, एसीटिल और एसीटाइल ग्रुप। यस, ओके। तो इसमें क्या करते हैं आप, इट इज एसीटाइल वैल्यू इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस, पोटेशियम KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। यस, टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंप्लीटली एसिटाइलेटेड फैट। अब इसमें हम क्या पता करते हैं, आपको पता है सैपोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, एसिड को फैट और ऑयल को आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, KOH के साथ, और क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, और उसके साथ साथ सोप फॉर्म होती है। यस, सोप। यस, ये सॉल्ट है, सोप। अब इसमें यहाँ पर क्या है, केस क्या है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कम्प्लीटली एसिटाइलेटेड फैट। अब ये आपने क्या लिया है, ये 1 ग्राम लिया है, फैट है 1 ग्राम सपोज करना है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं आपको, आप इसको सैपोनीफाई कर रहे हैं। यस, 1 ग्राम फैट को सैपोनीफाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप, एक एसिटाइल ग्रुप है, ये दूसरा एसिटाइल ग्रुप है, ये तीसरा एसिटाइल ग्रुप। अब यहाँ पर होगा क्या, जो एसिटाइल जो फैट है आपके अंदर, फैटी एसिड है, तो इतना इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इस पार्ट को रेड पार्ट को आप क्या बोलेंगे, एसिटिक ग्रुप। यस, और ये यहाँ पर अगर आप H लगा देते तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब इसमें से आप इतने पार्ट को निकाल लो, इतना CH3 डबल बॉन्ड CO। यस, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको एसिटाइल ग्रुप। तो जब आप एक ग्राम फैट और ऑयल को जब आप सैपोनीफाई करते हो, न्यूट्रलाइज करते हो, तो इसमें से जो ये इतना ग्रुप निकलता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसको नहीं देखना है, इसको भूल जाना है आपको, किसको, इतने पोर्शन को भूल जाना है आपको, किसको, इतने आपको याद रखना है, सिर्फ इतने पोर्शन को, किसको, आपको इस पोर्शन को याद रखना है, किसको, CH3 डबल बॉन्ड, इतने CH, तो मतलब ये आपको अच्छे से दिखेगा, डबल बॉन्ड, इतने पोर्शन। तो जब आप इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, सैपोनीफाई करते हैं, तो आपके ये ग्रुप निकलते हैं उसमें से, कौन कौन से, आपने सैपोनीफिकेशन वैल्यू भी पढ़ा है, बट उसमें अलग कंसेप्ट है, बट आप उसमें आप सैपोनीफाई, जो आपका जो एसिड ग्रुप निकलता है, इतना ग्रुप सैपोनीफिकेशन में, तो ये सॉल्ट बनाता है, बट बात यहाँ पर अभी इसकी हो रही है, इतने ग्रुप की, किसकी, इतने ग्रुप की। तो ऑफकोर्स आप सैपोनिफिकेशन में इस इतने ग्रुप से सॉल्ट बनाते हैं। यस, CH3 C डबल बॉन्ड O O। यस, बट आप एसिटाइल ग्रुप में किसके साथ डील कर रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ। तो आपको जब आप KOH के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे, तो इतना ग्रुप सेपरेट होगा, कितना, CH3 CO। तो ये एसिटाइल ग्रुप जब सैपोनीफाई होगा इतना फैट, तो एसिटाइल ग्रुप इसमें से सेपरेट होगा, इतना ग्रुप, ये ग्रुप आप देख सकते हैं, इतना, या यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर बताता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O K,
तो आप यहाँ पर सैपोनिफिकेशन में तो आप इसके साथ पूरे के साथ डील करते थे, बट एसिटाइल वैल्यू में आप किसके साथ डील करेंगे, इतने के साथ। यस, तो आप इसमें जो एसिटिक एसिड में जो फैट के थ्रू जो जब आप सैपोनिफिकेशन करेंगे तो आपको ये एसिटाइल ग्रुप ऑप्टेन होगा। यस, मिलेगा। यस, ऑफकोर्स ये भी मिलेगा, बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, 1 ग्राम फैट के अंदर से आपको इतना एसिटाइल ग्रुप की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या है, सो प्रोसीजर क्या है यहाँ पर इसका, टू द गिवन सैंपल क्या करेंगे आप, 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सैंपल कितना ले रहे हैं आप, 1 ग्राम। आप क्या कर रहे हैं, सैंपल इसमें 1 ग्राम ले रहे हैं, सैंपल कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम ऐड। उसके अंदर क्या करेंगे आप, 5 ml एसिटिक अनहाइड्राइड पाइरिडिन, इसका मिक्सचर है एसिटिक अनहाइड्राइड पाइरिडिन। तो एसिटिक अनहाइड्राइड पाइरिडिन मतलब 5 ml आपको ये डालना है, एसिटिक अनहाइड्राइड पाइरिडिन, यानी एसिटिक अनहाइड्राइड कितना लेना है आपको, 1 ml लेना है, और पाइरिडिन कितना लेना है, 7 ml कितना लेना है। तो आप क्या करेंगे सेपरेटली, आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे आप 1 ग्राम ले, 1 ml लेंगे, और उसमें 7 ml आप पाइरिडिन डाल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड पाइरिडिन मिक्सचर। अब ये बनेगा 8 ml। अब 8 ml में से आप क्या करेंगे, 5 ml आप निकालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, टू द गिवन सैंपल 1 ग्राम आप फैट लेंगे, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने एसिटिक अनहाइड्राइड 1 ml लिया है, और उसके साथ पाइरिडिन 7 ml। यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं आप, 1:7 रेशियो। तो मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड आप 1 ml लेंगे, और पाइरिडिन कितना लेंगे, 7 ml। तो ये बन जाएगा 8 ml। अब 8 ml में से आप क्या करेंगे, 5 ml ऐड उसमें से निकालेंगे आप, और किसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर आप 1 ग्राम फैट लेंगे, और उसमें 5 ml इतने मिक्सचर के अंदर से 5 ml आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके अंदर 5 ml अगेन आप वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे आप, वाटर ऐड करेंगे, एंड उसको क्या करेंगे, पुट ऑन वाटर बाथ। वाटर बाथ मतलब हीटिंग, वाटर को आप हीटिंग पर रखते हो, और उसके ऊपर आप अपना सैंपल ऐड करेंगे, कितने टाइम के लिए रखेंगे, 30 मिनट के लिए, देन कूल इट। अब वो क्या होगा, आधे घंटे के लिए क्या होगा, वो थोड़ा हीट होगा, उसके बाद उसको निकालना है वहाँ से और कूल करना है। यस, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क में लेना है, आपने जो कूल किया उसको कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। यस, कोनिकल फ्लास्क में आप ये मिक्सचर लेंगे। उसके बाद ब्यूरेट के अंदर क्या लेना है आपको, आपने टाइट्रेशन सुना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, टाइट्रेट विथ 0.5 नॉर्मल जीरो। आप ब्यूरेट में क्या लेंगे आप, इस ब्यूरेट आपको पता है स्टैंड के अंदर होता है ब्यूरेट, ब्यूरेट में आप 0.5 नॉर्मल KOH लेंगे, और आप इस कोनिकल फ्लास्क में जो आपने कूल किया मिक्सचर, वो मिक्सचर को आप इसके साथ टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। यस, टाइट्रेट विद 0.5 नॉर्मल KOH यूजिंग फिनोप्थेलिन एज ए इंडिकेटर। यस, अब इसका फार्मूला क्या है, एसिटाइल वैल्यू इक्वल टू 4.3 इंटू ई अपॉन ए। यस, 4.3 इंटू ई अपॉन ए। अब इसके बाद वेयर ई इज़ एसिडिटी इक्विवेलेंट। यस, ये क्या है आपका, ई क्या है, एसिडिटी इक्विवेलेंट। उसके बाद ए, वेट ऑफ एसिटाइलेटेड सैंपल, मतलब आपने एक्चुअल में किया सैपोनिफिकेशन, बट सैपोनिफिकेशन में एसिड का ग्रुप आता है, एसिड के ग्रुप से आप क्या निकालते हैं, एसिटाइल ग्रुप। यस, CH3C(O) निकालते हैं। यस, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ अल्कोहल। यस, यानी आप इसके अंदर से क्या पता करेंगे, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। अब यहाँ पर आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आप
एक नया कंसेप्ट है, आपने यहाँ पर क्या पता किया है, ये इतना ग्रुप आपने यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है आपका एसिड फाइट है, यस ये क्या है फाइट है, ये भी फाइट है, आप उसको सैपोनीफाई कर रहे हैं आप के ओ एच के साथ, बट आप यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप पता कर रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप जब इतना ग्रुप यहाँ से निकाल देंगे आप, इतना ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड, तो आप इसके अंदर जो बाकी का जो पोर्शन बनेगा ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा CHO CH2O, तो ये क्या बना रहे, ग्लिसरॉल बना रहे, यस यहाँ पर ऑफकोर्स जो आपका एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड है, कितना है ट्राइग्लिसराइड है, बट कभी कभी होता है मोर देन 3 अल्कोहलिक ग्रुप भी, इसमें ग्लिसरॉल की जगह आप क्या बना सकते हैं पेंटेनॉल हेक्सेनॉल ऐसे भी बनता है, तो ये इसमें आप इसके ज़रिए आप क्या पता करते हैं CH2O, आप पता है आपको समझ में आ रहा है ये क्या है आपका फैट है, फैट में क्या है इतना पार्ट आपका एसिड की तरफ से आया था, सॉरी इतना पार्ट आपने आपका ग्लिसरॉल की तरफ से आया था, इतना पार्ट ग्लिसरॉल की तरफ से, यस और इतना पार्ट जो था आपका फैट की एसिड की तरफ से आता है, यस इतना पार्ट, तो अब उसमें आप क्या करते हो वाटर को निकालते हो, वाटर रिलीज होता है, यस वाटर यहाँ पर रिलीज होता है और क्या बनता है फैटी एसिड बनता है, यस फैटी एसिड बनता है ना, तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर रहे एसिटाइल ग्रुप को तो पता कर रहे, बट उसके साथ साथ आप अल्कोहल के कितने अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके अंदर 3 अल्कोहलिक ग्रुप बनेंगे, यस ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल, यस साइपोनिफिकेशन में आपने आप किसको पता करते हैं पूरे एसिटिक एसिड ग्रुप को CH3 CO के, इसको आप पता करते हैं किसके अंदर साइपोनिफिकेशन में आप पूरे को पता करते हैं, बट इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप के एसिटाइल वैल्यू के अंदर आप इतने ग्रुप को पता करते हैं इतने, आप इसको छोड़ देते हैं ओके को और इतने इससे को पता करते हैं और उसके साथ साथ इसमें आप अल्कोहलिक ग्रुप को भी डिटरमाइन करते हैं, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।